यहाँ पर कुछ शिक्षकों से विवाद हो गया और हंगामा इतना बड़ा कि बात मारपीट और झुमाझटकी तक पहुँच गई। इसके बाद एबीवीपी की कार्यकर्ता लगातार लंबे समय तक यहाँ पर प्राचार्य कक्ष में धरना देकर नारेबाजी करते रहे और हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा और मामला इतना बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुँचना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि आईटीआई कॉलेज में शिक्षक जो लॉकडाउन करते हैं और रन नहीं मिलता है। वहीं आईटीआई के कुछ शिक्षकों का कहना था कि कुछ लोगों ने जबरन कॉलेज में आकर क्लास बंद कराने की कोशिश की, इसलिए पूरा विवाद हुआ। फिलहाल एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं और पुलिस मौके पर मौजूद है। सुनील लंचूरिया, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। हमने देखा, कॉलेज को भ्रमण करा तो जहाँ छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर कबूतर रहते हैं और कबूतर का गंदगी फैली रहती है। हमारी बहनें छात्राएं जो हैं उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है वॉशरूम जाने के लिए। इसके कारण आज प्रिंसिपल का घेराव करा था। इसी में कुछ छात्रों के बीच में पता चला कि हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। बिना किसी नोटिस के छात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। झुमाझटकी खाली इस प्रकार से हुई थी कि सर यहाँ से हमारे जवाब दिए बगैर जाने की बात कर रहे थे, तो सर से हमारा आग्रह था कि सर हमको उचित जानकारी और जवाब दे के जाए। संस्था 40 साल पुरानी है, तो अब क्या जो वर्षा पे है उसके जो जालदान के आज फूट गए, तो उसमें क्या कि हमने भी तीन चार क्विंटल जाली मंगा के रख दी। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है कि उसमें कबूतरों पहले से जो निवास कर रही है वो एकदम से आसानी से जा नहीं रही, तो वो थोड़ी बीट बीट कहीं थी। वैसे संस्था में दो सफाई कर्मी हैं और वो बिल्कुल रेगुलर सफाई करते हैं, फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं बीट आ जाती है, कर जाती है। जिस लड़के का नाम कट गया था उसके संबंध में क्या है कि वो उचित हो गए थे तो उनको समझा दिया है, और जो भी समस्या और समस्या का अपन निराकरण। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को यहाँ पर मिला है, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, मामला क्या था और आखिर किस तरह का आश्वासन दिया गया, उन्हें शांत किया गया? रितु, देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि आईटीआई कॉलेज में काफी अनियमितता है, जैसे उन्होंने बाइट हमने दर्शकों को सुनाई, उनका कहना था कि साफ सफाई का, इसके अलावा कुछ छात्रों का जो नाम है वो गलत तरीके से काट दिया गया था। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का यह पक्ष था कि नियमित उपस्थिति और नियमों के तहत ही कॉलेज से बच्चों का नाम काटा गया था। इसके अलावा इनका कुछ शिक्षकों पर जो है डेली लॉकडाउन का आरोप भी था। इस पूरे मामले को लेकर लगभग एक घंटे तक एबीवीपी के कार्यकर्ता प्राचार्य कक्ष में हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। प्राचार्य राजाराम कटारिया जो थे उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया, उसके बाद जाकर जो है पूरा मामला शांत हुआ और हंगामा इतना ज्यादा बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। और ये पूरी कार्रवाई के दौरान जो है एबीवीपी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के अपने आरोप थे, जबकि कॉलेज प्रबंधन का ये कहना था कि अनावश्यक तौर पर ये पूरा हंगामा किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर का जिक्र करते हैं, यहां पर महिलाओं से भीख मंगवाने की शिकायत पर एनजीओ की टीम पहुंची। इस दौरान टीम के साथ भीख मांगने वाले गैंग ने बदतमीजी की, जिसे लेकर संस्था की महिला सदस्य ने परदेशीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एनजीओ टीम ने शिकायत में कहा है कि जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो गैंग के युवक ने पहले तो बदतमीजी की और फिर जब कलेक्टर से शिकायत की बात की तो कलेक्टर को भी देख लेने की बात कही। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। भारत के नागरिक हो तुम, साले मेरी बात बोलो। छत्तीसगढ़ में आज ईडी ने कई जगह छापे मारे। कोरबा में कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हो रही है। बालोद में पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा। कोरिया में बैंकुटपुर सीईओ राधेश्याम के घर भी ईडी ने छापा मारा। तो जशपुर ईडी ने मनोरा जनपद सीईओ वीरेंद्र सिंह राठौर के सरकारी निवास पर छापा मारा। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं जहां पर ईडी की रेड पड़ी है और यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।